हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं रामदाना के आटे की पूरियां और आलू प्याज की चटपटी सब्जी। तो सबसे पहले हम आटा छान लेंगे। रामदाने को आटे को आप राजगिरे का आटा भी बोल सकते हो, चौलाई का आटा भी इसको बोलते हैं, और मोस्टली इसको व्रत में खाया जाता है क्योंकि ये अन्न में नहीं आता है, अनाज में नहीं आता है। इसलिए आटे को अच्छे से हम छान लेंगे। प्रोटीन बहुत सारा होता है इसमें और बहुत हेल्दी रहता है, ग्लूटेन फ्री रहता है। अगर आपको ग्लूटेन फ्री रोटी या पूरी खानी है तो आप ये खा सकते हो। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/4 छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें हम अजवाइन, और गुनगुने पानी के साथ इसका अच्छे से हम डो तैयार कर लेंगे। ठंडा पानी यूज नहीं करना है, एकदम गर्म भी यूज नहीं करना है, गुनगुना पानी हम इसमें यूज करेंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है तो इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इसके सारे नाम मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं। अच्छे से हम डो तैयार कर लेंगे। सो डो हमारा रेडी हो गया है और 5 मिनट के लिए इसको हम सेट होने रख देंगे, फिर हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। तो पूरी बनाने का भी 2 प्रोसेस है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक हम पूरी बनाएंगे हाथ से, जो कि अभी मैं बना रही हूँ। छोटा सा पार्ट मैंने डो का लिया है और सूखा आटा लगा के इस तरीके से प्रेस करते हुए इसकी हम पूरी बना लेंगे। तेल मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया है। अगर आप रोटी बनाना चाहते हैं तो आप इसको तवे पे सेक लीजिए। अच्छे से गर्मा गर्म तेल में हम इसको तल लेते हैं। ये हाथ से बनाने वाला प्रोसेस है गाइस, और आप इसको चकला वेलन पे भी बना सकते हो, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। बहुत ही फुली पूरियाँ बन गई है और एकदम ग्लूटेन फ्री। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गेहूं के आटे की ही पूरियाँ बना सकते हो, इसकी भी बहुत अच्छी और फुली पूरियाँ बन चुकी है, आप देख सकते हो। पूरी हमारी अच्छे से तल गई है, इसको हम निकालेंगे और नेक्स्ट हम बनाएंगे चकला वेलन की सहायता से पूरी। आप जैसा कि मैंने बताया, इसको आप सेक के भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हल्के हाथों से सूखा आटा लगा के पूरी हम बना लेंगे। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटी बड़ी, और तल लेते हैं इसको भी। और ये पूरियां हमारी इसी तरीके से सारी मैंने बना दी है गाइस। और अब हम नेक्स्ट हमारी जो आलू प्याज की चटाकेदार सब्जी है वो तैयार करेंगे, और उसको मैं बनाऊंगी हंडी में। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें। फटाफट से ये पूरी निकाल लेते हैं, और बाकी ये सारी पूरियां भी प्रिपेयर करके रख दी है मैंने। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए इसको। सो अब हम बनाएंगे सब्जी आलू प्याज की। हंडी में मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल, ज्यादा नहीं लूंगी। तेल गर्म हो जाने के बाद अच्छे से इसमें हम डालेंगे जीरा 1 छोटा चम्मच। अच्छे से इसको चटकने देंगे और इसमें हम डाल देंगे हींग 1/4 छोटा चम्मच। राई भी डाला है मैंने 1/4 छोटा चम्मच। हींग डाल दी है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। राई को आप स्किप भी कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और अदरक। सौते कर लेंगे इसको। हरी मिर्च मैंने 2 ली है, आप बारीक भी कट कर सकते हो। अभी हम इसमें कटा हुआ प्याज और आलू डाल देंगे। मैंने 2 प्याज और 1 आलू लिया है, क्वांटिटी आप देख सकते हो। 5 लोगों के लिए सब्जी इनफ है ये। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हींग का फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए सब्जी में हमारी। सो अभी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, बेसिक इंडियन मसाले। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अभी इसको हमें हल्दी और नमक के साथ अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है।
कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जी का और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप सारे मसाले एक साथ डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, और अगर आप प्रोसेस ये वाला फॉलो करेंगे उसका टेस्ट अलग आएगा। आप एक बार भले ही ट्राई कर सकते हैं। सो 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे, ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर। अभी हम चेक करेंगे, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ मैं, बीज निकाल दीजिए टमाटर डालने से पहले। और अभी हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद देख सकते हैं गाइस बहुत ही सुंदर कलर आया। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप, ताकि जो आलू है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए, और ज़्यादा इसमें झोल नहीं करना है, मतलब इसमें ज़्यादा पानी नहीं करना है, राजस्थानी में झोल बोलते हैं। सो अभी ढक्कन लगा के इसको हमें, आलू जब तक कुक हो जाते हैं तब तक हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे, अगर आप आलू के जो आपने पीसेस किए उस पर डिपेंड करता है, बीच बीच में आप चेक करते रहिए। और हंडी में जो सब्जी बनती है गाइस, और ये यहाँ पे तो मेरे पास गैस है, चूल्हा नहीं है, नहीं तो जो बेसिक चूल्हा होता है जहाँ पे लकड़ियों से हम उसको चलाते हैं, उसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और ये जो गरम मसाला है गाइस ये मैंने घर पर प्रिपेयर किया है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपके लिए पोस्ट कर दूँगी। ऑयल जो है वो साइड्स पे निकल गया है, सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। और ये जो सब्जी एकदम सूखी नहीं बनानी है, थोड़ा सा इसमें हम रस्सा रखेंगे, बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम सूखी सब्जी अलग बनती है गाइस। वो मतलब ट्रैवल के लिए अपन जब जाते हैं तो वो सूखी सब्जी सही रहती है। अभी ये जो है आलू प्याज की सब्जी, ये रस्से वाली हम बना रहे हैं, और पूरी और सब्जी बनने में मैक्सिमम 20 मिनट्स लगते हैं, फटाफट बन के रेडी हो जाती है। सो गाइस 5 से 7 मिनट हो गए हैं, आलू बहुत अच्छे से कुक हो गया है, और ये जो हमारी हंडी है वो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सब्जी तैयार की है।
और रस्सेदार चटाकेदार चटपटी आलू की सब्जी हमारी रेडी हो गई है। गर्मा गर्म इसको हम सर्व करेंगे हमारे रामदाना के आटे की पूरियों के साथ। सब्जी को सर्व कर देंगे, हरा धनिया से इसको हम गार्निश कर देंगे अच्छे से। ये था आज का कॉम्बो, राजस्थानी कॉम्बो। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और लाइक बटन को भी दबा दीजिए गाइस। लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं पर लाइक्स का क्या। इसी तरीके से सपोर्ट करती रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।